नीच चली जाएगी साली नीचे। नीच कहाँ गई? भाग भाग ये बम ले ले। भीड़ भाड़ से दूर हो, यहाँ पे आ सकते हैं। कि क्या फील आ रही है यहाँ पे बैठने में बता नहीं सकता। और ये पक्षियों की आवाज कौन? Hey guys, good morning, welcome back to my new dog. Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. So guys, कैसे आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, फुल एक्साइटेड हूँ। So guys, अभी टाइम हो रहा है 3:00, करेक्ट 3 बज रहे हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है। सो अभी दोपहर का टाइम है और मम्मी सोने में लगे पड़े हैं, तो मम्मी को उठाते हैं। ये दोपहर में नहीं सोने सीधे मम्मी शाम में गोलू को भी उठा दिया है। मैं उठाई मत, उठा दिया है मुझे। उनके दोपहर में नहीं सोना चाहिए। और गोलू हमारे बनाने जा रहा है मस्त चटपटी चाय। धोते नहीं, दूसरे बर्तन में बनाओ। बड़े से बर्तन ले जाओ, सब चाय वगैरह पीते हैं। क्योंकि दोपहर में मुझे भी नींद आ रही थी, अवॉइड करेंगे आज, सोएंगे नहीं। क्योंकि यार फिर रात में लेट नींद आती है। एडिटिंग मेरी 1 बजे कंप्लीट हो गई थी और नींद मुझे आई है 3 बजे। सो फिर मॉर्निंग में भी लेट उठ पाता हूँ लेट सोने की वजह से। तो चाय पीते आज सोएंगे नहीं दोपहर में। देखते हैं आज का क्या प्लान है, आपको दिखाते हैं। तो भाई सभी मम्मी को पे एक गिलास पानी डाल देंगे हम। ये तो सही में डाल रहा है, अभी नहीं डाल रहा। अभी डराऊंगा मम्मी को। इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? एक गिलास पानी डाले जो कमी ना। भाई मम्मी को सोने देते हैं। जब इसकी हरकतें देखो, इतना बड़ा बर्फ का पीस इसने टी शर्ट के अंदर डाल दिया। कोई पीठ ठंडी हो गई मेरी, तो मारूंगा। ले जा इसे, अबे कह रहा है खा ले। तो गाइस फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, गोल ने बना के दी अभी चाय। सो चाय पीते हैं और कहीं बाहर जाने का भी प्लान बन रहा है। सो बाहर जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने ये जैकेट डाल लिया अंदर से, ये भी मोटा वाला क्या कहते हैं, स्वेटर डाल दिया क्योंकि ठंड से पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका हूँ मैं। ठंडी लगनी चाहिए गाइस। सो अब निकलते हैं, कन्फर्म नहीं है कहाँ जाने वाले हैं। जहाँ भी पहुँचता हूँ आपको दिखाता हूँ। ऐसे निकल रहे हैं घूमने के लिए। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं। अकेले जा रहा हूँ मैं, गोलू यहाँ पे आराम कर रहा है। सब निकलते हैं, अब निकलते हैं। हमारी बसंती है वहाँ पे रेडी, कपड़ा वपड़ा मार लिया उस पर। सब निकलते हैं और सीधा मिलता हूँ अपने सेक्टर 18 जाके। गाइस घूमते फिरते मैं पहुँच चुका हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी, जो कि सेक्टर 18 के पास ही था। तो मैंने सोचा कि यहीं चले जाते हैं घूमने के लिए और आपको भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको कैसा है यहाँ पर। मैं आ रखा हूँ यहाँ पे 1-2 बार। सो अभी फिर आया हूँ, चलते हैं। गाइस यहाँ पे एंट्री चार्ज 30 रुपये पर पर्सन है, तो आप भी आ सकते हो। और मस्त जगह है, मैं लोकेशन पिन कर दूँगा, विजिट कर सकते हो आप। तो कुछ इस तरह के टिकट है, चलते हैं अंदर। सो गाइस यहाँ मैं जितनी बार भी आता हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी पीसफुल प्लेस लगती है। किसी को अगर शांति से 2 पल बिताने हों दुनिया के शोर शराबे से दूर, तो यहाँ पे आ सकता है। गाइस मुझे बहुत ही अच्छी जगह मिल रखी है बैठने की, जहाँ से मैं सनसेट देख सकता हूँ। सो कुछ इस तरह की जगह है, सनसेट देख सकता हूँ। यहाँ बैठने की सीट भी मिल गई है मुझे, सो यहीं बैठता हूँ। इंजॉय करते हैं इस शांति की, मतलब इंजॉय करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल शहर का शोर शराबा नहीं है, जो भी बंदे आराम से बैठ के कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं किसी के साथ या फिर खुद अकेले, भीड़ भाड़ से दूर हो, यहाँ पे आ सकते हैं। कि क्या फील आ रही है यहाँ पे बैठने में बता नहीं सकता। और ये पक्षियों की आवाज़ कौं कौं कौं, मतलब दिल को अलग ही सुकून देगी। सो बैठते हैं यहाँ पे। सो
सो गाइस फाइनली एक पक्षी दिखा है हमें मीन्स मुझे उसे पता लग गया मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरा घूम भी नहीं पाया क्योंकि बैठे बैठे शाम हो गई है, 6 बजे बंद कर देते हैं। पता नहीं मैं 6 बजे से तक रुक चुका हूँ, अब पता नहीं नए रूल्स आए होंगे इसमें। सो अब चलते हैं, सनसेट छोड़ के जाना पड़ेगा हमें, तो चलते हैं वापस घर। घर जाने से पहले देखते कुछ खाते हैं और फिर वापस चलते हैं घर। सो लेट्स गो। तो गाइस ये पार्क है तो बहुत बड़ा, लेकिन ज़्यादा मैं घूम नहीं पाया। किसी और दिन अगर दोस्तों के साथ आऊँगा तो ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि आज यार अकेले आया था तो यहीं से पास में जा रहा था तो सोचा बैठ जाते अकेले। सो वापस चल रहे हैं अब घर। सो गाइस मैं सेक्टर 22 मार्केट एरिया पहुंच चुका हूँ, यहाँ कुछ खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से वापस घर। और बाइक कर दिया यहाँ पे पार्क, तो कुछ खाते हैं फिर चलते हैं। मेरा ऑर्डर आ चुका है फुल मोमोज और ये है चिकन टिक्का। सो गाइस आज पेट फुल करके जाएंगे यहीं से, तो खाते हैं। सो गाइस खा पी लिया, अब चलते हैं वापस घर और घर जाके मिलता हूँ सीधा आपसे। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मम्मी लगी है। क्या कर रही हो? सो मम्मी लगी पड़ी है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए, सब्जी मतलब सब्जी में डालने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने में। और पापा अभी तक आए नहीं है, अब मम्मी खाना बनाने में लगेंगी। सो हम भी करते हैं बाइक को अपने ऊपर और देखते हैं क्या करना है। अब पेट तो फुल है हमारा आज। तो गाइस खाना तो खाऊंगा नहीं, अब सीधा ऊपर चलूंगा जाऊंगा। लेकिन यार एक टेंशन हो गई है, डेट शीट आ गई है एग्ज़ाम की, सो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही, सो पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो तो बनाना बंद नहीं करेंगे लेकिन पढ़ाई भी अब स्टार्ट करेंगे। तो अभी खाना बन चुका है, मम्मी वगैरह खाएंगे खाना, हम तो सिर्फ दूध पियेंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे एडिटिंग के लिए, मतलब सोने के लिए भी। सो दूध पीते हैं और फिर निकलते हैं ऊपर। गाइस ये पटाखे रखे रखे सड़ जाएंगे, इनसे वजह इनका यूज़ कर लेता हूँ, मुझे रोज़ शाम में याद ही नहीं आता। सो अभी ऊपर के लिए चलते हैं, फोड़ते रहेंगे एक दो दिन में। तो यार ऐसे रखे रखे तो सड़ जाएंगे, फिर कोई यूज़ नहीं होगा। सो ऊपर ही ले चलते हैं, चलो चलते हैं दिखाता हूँ। इसमें ऊपर आ चुका हूँ, ये पटाखे भी लिया है और मैंने सबित को बुला लिया क्योंकि अकेले ऐसे काम नहीं करने चाहिए, थक गया वो बढ़ाते रहते। सभी लॉक खोलते हैं इनका। कोई बुला लिया वो भी आएगा तो फिर। और सबित से लाइटर भी मंगा लिया क्योंकि यार माचिस बार बार जला के ऐसी बात नहीं है गाइस कि वो सिगरेट पीता है, उसके घर में पड़ी जाती है। गाइस सबित भी आ चुका है और ये अपने साथ ले आया है लाइटर। ठंड लग रही है और चलते हैं ऊपर। गाइस काफी यार ठंड हो रही है, ठंड में हम ऐसे काम कर रहे हैं गाइस, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। गाइस पहले हम जो फोड़ रहे हैं ये वाला बम, तो देखते हैं फटता है कि नहीं। तुझे क्या लगता है जलेगी? जलेगी तो नहीं पता। ओह ये सब कौन से जला है? ये तो ठुसन की फुसर थी ये वाला डाला। ये बहुत तेज फटेगा भाई, छील यार इसको। गाइस मम्मी मम्मी ओ भाई इससे ज्यादा तेज तो मैं चिल्ला दिया। ये फोड़ ही दे, इसको छीलने की जरूरत नहीं। साले रहने दे ये समझ कर।
Are you guys ready? ये फटेगा। ईंट चली जाएगी साले नीचे। ईंट कहाँ गई? भाग भाग ये बम ले ले। बम ले ले समित। सो गाइस समित ने क्या कर दिया? भाग। तो गाइस हम घर में ही बैठते हैं। हमारे घर में बैठना अच्छा है। सो गाइस ईंट तो गायब ही हो गई थी। सो गाइस वो ईंट का पता ही नहीं चला कहाँ गई थी। मैं तो ऐसे करके खड़ा हो गया, मुझे लगा अभी सर पे गिरेगी, लेकिन यार वो बगल वाले छत पे गिर गई। तो ये सभी के चक्कर में ऐसे ही होता है। सब पीसी ऑन करते हैं। सो गाइस सभी जा चुका है अपने घर और हम भी लगते हैं अब एडिटिंग पे अपने काम पे। और इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग अस। और हाँ गाइस कल शायद से बाहर जाने का प्लान बन सकता है, कहीं दिल्ली साइड जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कोई नई जगह। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।